माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहे हो अभी? इट्स हाई टाइम लोकेश यादव, आप अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहे हैं? बिकॉज अब मैं ये वाली बात रिवील नहीं करना चाहता। तो मेरी फ्रेंड ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे का सजेशन दिया था कि तुम इसको देखा, जरूर देखना। मैं ओके, मैंने ऑफिस में चला के बैठ गया, मैं सिर्फ आधा घंटा देख पाया। इतनी बाहर फ्रेंड गए ना भाई, बहुत ज्यादा अमीर साले, और वो मेरे को भी महंगी महंगी जगह लेके जाते हैं। मैंने कन्फर्म को कन्फर्म बोल दिया, गलती से नहीं, लेकिन यार वही बात है ना, कन्फर्म भाई बहुत। और मैं प्लॉट को प्लाट बोल देता हूँ भैया। ये देखो जेसीबी ने पूरा तोड़ दिया ये वाला तो। Hey, what's up guys? Welcome back to another vlog. कैसे हो आप सब लोग? भरताऊ जी है भाई। Yes. बड़े बुजुर्गों का तू को आता, तू कहाँ गिर रही है यार? मैं क्यों भाई, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। कोई भी काम करूँ उससे पहले उसको टूटना फूटना जरूर होता है। पहले जब सर्दी होती है तो ताऊ जी अंदर आके बैठते थे, अब गर्मी है ताऊ जी बाहर जाके बैठते हैं। तो गहरी से वहाँ पर जाएंगे ताऊ जी, बाहर बाहर खोल के बैठेंगे। सर्दियों में अंदर आते हैं और गर्मी में बाहर जाते हैं। उनका रोजीना गए, दैनिक भास्कर हमारे घर पड़ेंगे और आसान पत्रिका अपने घर पड़ेंगे। अरे कहीं ना कहीं अच्छा भी है, सही बात है ना यार ये वाली। आज दो तीनों बाद जाके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बिकॉज दो तीन दिनों से मेरे को टाइम नहीं मिला। मैं हरियाणा से आने के बाद में बिल्कुल ही ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, अब जाके कर रहा हूँ। मम्मी इसको धो दो ना यार। तो आज जाके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आज भी बहुत सी चीज़ मेरे को तुम लोगों को बतानी, बहुत ढेर सारी चीज़ बतानी, काम कितना हो गया, काम कैसे हो गया। और इवन एक और चीज़ बतानी है कि जो मेरी वाली जो रोड है वो जारी थी, वो तो जारी थी, साथ ही साथ जो संगने रोड है 200 फुट जो बन रही है उसका काम भी चालू हो चुका है। तो वो वाली रोड में तुम लोगों को दिखाऊंगा एक बार, मम्मी ये बर्तन वर्तन साफ कर ले, तो वो रोड में तुमको दिखाऊंगा। हालांकि रोड बनने से पहले वहाँ पे उन लोगों ने दो तीन दिनों का धरना दिया था, लेकिन उन धरना कुछ काम करने, आज 26 से रोड बनना चालू हो जाएगी। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोगों ने अपनी दुकानें खाली करना चालू कर दिया। हमारी वाली जो रोड है इस पर अच्छा खासा काम चल रहा है, घर वर बढ़िया सारे टूट टाट गए और इसमें जो जेसीबी ने मड़का वड़का था सब फेंक फूका दिया। रोड है वो मानसून बनना हुआ चालू होगी। इवन रोड बनने से पहले आप सिविल लाइन डलेगी, उसके बाद में रोड बनेगी, तो वो कहीं ना कहीं बेटर है, वरना फिर वो होगी रोड बन गई और सिविल लाइन डली, खोदो फिर दोबारा बनाओ, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो अभी मॉर्निंग के स्टार्ट, सबसे पहले उन्हें गाड़ी धोने के लिए दे दी, बाहर भाई आया हुआ है वो गाड़ी धो रहा है। मैं वीडियो बना था, मेरा फ्लैश बंद हो गया मेरा, इसमें लिखा हुआ है कि योर फोन हैज़ टू कूल डाउन बिफोर इट फ्लैश हो, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा है। कुल मिला के मेरा फ़ोन गर्म हो गया, 4 मिनट फ़ोन गर्म हो गया पता, लेकिन वैसा भी स्मूथी एक नंबर, विदाउट टेस्ट एक नंबर, बिकॉज मैं पीता रहता हूँ, लेकिन गजब एक नंबर है बबुआ। देखो ये वाली वो रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था, सब लोगों ने अपनी शटर वगैरह हटा ली, आगे जेसीबी चल रही है, देखो वहाँ पे जेसीबी तोड़ने लग रही है दुकानों को। और ये वाला काम मेट्रो स्टेशन चालू हो रहा है, पूरे ठेठ सांगनेर तक जा रहा है, सब लोगों ने खाली कर दी। इसमें लगभग 650-700 दुकानें हैं जो कि टूटेंगी, इवन ज़्यादा होंगी, ये तो मैं एक अनुमान बता रहा हूँ तुम लोगों को, दुकानें ज़्यादा होंगी इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत अच्छा वाला लग रहा है। ये वाली दुकान है, लेकिन इनके पास प्रॉफिट पॉइंट ये कि जो पीछे वाले प्लॉट है वो भी नहीं गई हैं, तो इनकी दुकान तो शिफ्ट हो जाएगी पीछे। और इनकी बड़ी अच्छी बात ये कि इनके रेट और बढ़ जाएंगी, लेकिन जिन लोगों के पास में पीछे प्लॉट नहीं है, दिक्कत उनकी है बेचार, उनकी सब चीज़ें रोड पे आ गई। अरे चल आना देखने ला करो साहब, ये बताओ भाई साहब, सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में आती है, जो टीन शेड वगैरह होते हैं वो तो उतर जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है छत भरी होती है जिसमें, उसमें क्या है लोहा रहता है, तो लोहा ऐसे आसानी से टूटता नहीं है, ना ही वो जाता है कहीं पर। तो पहले उसको RCC को अच्छी तरह तोड़ के, उसके बाद में उससे लोहा निकाल के, और फिर इस मड़के को सबको टुकड़ों में करके और फिर डालना पड़ता है। भाई ऑफिस से आने की बात की खुशी इज लाइक वाव टू मी, ऐसा लगता है कि भाई जेल से बाहर आ चुके, अब बाकी का दिन अपना है, बचा हुआ तो क्या है, साली रात बाकी है, उसमें जो करना है कर लो, फिर कल सुबह दोबारा मुंह सूख जाए कि यार दोबारा सुबह ऑफिस जाने, लेकिन कल सुबह की टेंशन कल सुबह लेंगे, आज तुम्हारा भाई कोई टेंशन लेगा, अब ऑफिस की सारी याद मिटाएंगे और इस खूबसूरत से मौसम को एंजॉय करेंगे। ओए होए 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 यार तुम मौसम देखो यार, मतलब इतना गजब का मौसम हो रहा है, इस मौसम में कोई काम करने का मन नहीं है। लेकिन मेरे ऑफिस में मेरी दो पार्टी है जो कि मेरा वेट कर रही है, ताऊ जी का फोन आ चुका, मेरे को बहुत अर्जेंटली जाना पड़ेगा, लगता है कि बारिश बहुत जोर से आएगी, ये सिर्फ लगता है अनुमान है, क्या पता है ना भी है, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो पार्टी से डील करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा घूमने चलेंगे, बिकॉज यार तुम लोगों का भी मेरे को ख्याल रखना जरूरी है यार, मेरा काम का चलता रहेगा, आज नहीं तो पार्टी कल आ जाएगी, जरूरी नहीं भाई, जोक सपाट, पार्टी को भी ध्यान देंगे, तुम लोगों को भी ध्यान देंगे।
भाई मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है यार, लेकिन इस मौसम के साथ में बेचारे जो ये लोग है ना, जो दुकान वाले, इनका मौसम खराब हो चुका है। काश भाई साइट विजिट के लिए मेरे को जाना नहीं पड़ा, पार्टी ऑफिस में भी थी तो मैंने उनसे वहीं पे बात कर ली, उनको फ्री करके मैं अभी यहाँ पे गोडाउन पे आ गया। और यहाँ पे काफी काम है जो कि ओ माय गॉड काफी सारा काम हो चुका है। यहाँ पे भी नीचे जो मड़गा है वो सारा हो चुका, प्लेन हो चुका है। इसके ऊपर बजरी वाली और जो सीमेंट वाली होती है वो वाली फ्लोरिंग होगी। पीछे की तरफ टीन शेड लग चुके हैं और इसके जो ये वाले हैं इसके दोनों के दोनों टीन शेड लग चुके हैं, आगे और पीछे दोनों के, और इवन इसके पीछे उसमें भी हम लोग। तो उसमें जो पीछे वाला गोदाम है उस पर नपाई चल रही है कि कितने के आसपास होगा। एक सेकंड मैं देख लूँ। हाँ, पीछे वाले जो गोदाम है उसके लिए ब्लॉक्स आ गए। उस गोदाम की साइज रहेगी लगभग 40x42 के आसपास। सो पहले भाई ये वाले गोदाम हो जाए, उसके बाद में उस वाले गोदाम का काम चालू होगा। मानसून में रोड बनेगी नहीं, मानसून में और गर्मियों में रोड नहीं बनती, वरना गर्मियों की वजह से रोड पर दरार आ जाती है और मानसून की वजह से रोड टिक नहीं पाती, तो वैसे वो खत्म हो जाती है। रोड बनेगी अभी, इसके अंदर सिविल लाइन है वो डलेगी, उसके बाद जाके रोड बनेगी। तो प्रॉबेबली रोड मानसून के बाद में जाके बनेगी। इवन जो भी सांगनेर वाली जो रोड टूट रही है वो टूटेगी, उसमें भी सिविल लाइन वाला काम होगा और उसके बाद में ये और ये वाली रोड साथ में बनेगी। उसके बाद में जो मेरे ऑफिस वाली रोड है, हाल फिलहाल जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पर रोड का काम चालू हो जाएगी, जो कि 60 फुट निकलेगी। हाल फिलहाल वो आई थिंक 40 फुट के आसपास है, उसके बाद में 60 फुट होगी, तो आई थिंक मेरा ऑफिस उसमें नहीं बचेगा, शायद बचेगा तो अच्छी बात है, नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं। और हाँ एक और बात बता दो, उस ऑफिस के पीछे मेरे पास कोई जगह नहीं, ऑफिस ही अगर बचेगा तो ठीक, नहीं बचा तो ठीक। आ जा ओ माय गॉड, चलो भाई रे क्या लुक है तेरा। तेरे को पता है जब भी मैं तेरे को लेने के लिए आऊंगा तो हमेशा कच्चे और टी शर्ट मिलेगा, मैं हमेशा पैंट और शर्ट में मिलूंगा या फिर फॉर्मल्स में मिलूंगा। फॉर्चुनेटली इसका फोन आ गया, मैं यहीं से कुछ काम के लिए जा रहा था, मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो हम लोग सोचे कि बाहर थोड़ा गेड़ी वेड़ी मार के आ जाए, घूम के आ जाए, काम वाम से सारे फ्री हो चुके हैं। मौसम में घर बैठने से अच्छा है कुछ की जिंदगी में थोड़ा बहुत टाइम अपने आप को भी दे दो और थोड़ा बाहर घूम लेना चाहिए। वैशाली नगर तो भाई ट्रैफिक में फंस जाएंगे, मौसम के मजे नहीं ले पाएंगे अपन। अभी अपना जो मेन मोटिव है वो है मौसम के मजे लेना। ले यहाँ पे देख ऊपर टक टक वो छोटी छोटी चपका रही है। ओ माय गॉडनेस। कल का म्यूजिक सा लगे। हाँ सुरूर बैठ जाए। और सुरूर बैठने के लिए कुछ और चीज ओवर हो जाए तो सच में सुरूर बैठ जाए। बारिश और है यार। हाँ वाटर में कुछ हो जाए, थोड़ी सी आइस क्यूब के साथ। रेडबुल रेडबुल यार, ओके तू को के भाई, मैं तो रेड बोलूं, नहीं तो फिर सोडा हो जाए तो और मजा आ जाए। तेरी फ्री वाली टी शर्ट है ना वाली स्ट्रीक ओरिजिनल्स है ना, ब्रांड है ये। अरे क्या का ब्रांड से यो, अलग ही ब्रांड से यो, ओ आया बड़ा। मेरे को भी कोई स्पॉन्सर कर देगा तो मैं भी पहनूंगा ऐसे। आज फिलहाल भी मेरी इंग्लिश की बेइज्जती हो रही थी बहुत ज्यादा। बेइज्जती तो क्या होती है ही चाहिए, आपका डोल होना चाहिए कि आपको कोई ब्रांड स्पॉन्सर। अरे यार बाइसेप तो ताता रहा है यार आपके। ताता लग रहा है, घिचाण लग रहा है बिल्कुल है कत्ती। अल्लाह भाई वैसे मेरी इंग्लिश माना थोड़ी सी खराब है, लेकिन बेइज्जती कुछ ज्यादा हो रही है, इतनी भी खराब नहीं है। मैंने कंफर्म को कंफर्म बोल दिया, बात है ना यार। कंफर्म भाई बहुत ऑड लगता है, थोड़ा वियर्ड लगता है थोड़ा। भाई कंफर्म हो गया, बात तो एक ही है ना थोड़ी सी यार। अब भाई मैं प्लॉट को प्लाट बोल देता हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है भाई, बिकेगा तो प्लाट ही। मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म को प्रॉपर्टी का काम बोल देता हूँ, बात तो एक ही है। बल्कि जो बोलते हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी वो कम कमाता है, प्रॉपर्टी वाला ज़्यादा कमा लेता है। एक और बात बता दूँ तेरे को मैं। आई एग्री है ना, एग्री है ना इस बात से। एग्री तो फिर तो भाई देखो सीधी बात है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और गिल्ट वाला घंटा फील नहीं हो रहा। मैं धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव कर लूँगा। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, आए तो आए नहीं आए तो वाड़े में जाए, सीधी बात है। हमको हमारी हिंदी पे फ़र्क करे। जय माता दी नहीं, क्या बोलते हो उसको, जय भारत माता की। जय भारत माता की कुछ नहीं होता, भारत माता की जय होता है। भारत माता की साली हिंदी भी खराब है। भाई मैं भी लूँगा ठीक है। चल ना तेरे फ्रेंच फ्राइज आ रहे हैं, निकलो आए बड़े, मैं भी लूँगा। अकेले ला गए थे पंगत मारे भाई। I just wanted to ask some couple of questions to you. My first question is, कि तुम अपनी girlfriend क्यों नहीं बना रहे हो अभी? It's high time, Lokesh यादव. You need a partner. वो आपको English सिखा सकती है. I got this question. Nation wants to know. Nation. Yes. मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है. Cheers. Cheers. भाई हम प्लास्टिक के ग्लास में Cheers. कांचा वाला फील ले रहे. हमने तो मैंने तो iced tea मंगाई थी. इसने lemon soda मंगाया था. क्या का lemon soda? वो सोडे के अंदर सेना नमक डाल दिया, पता मत लेमन सोडा नहीं आ रहा लेमन। बट यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन लोकेश। बिकॉज मेरे को काम काज से फुर्सत नहीं मिल पाती। एक बार प्यार किया था उसके बाद हमने हाथ जोड़ लिए, अब नहीं करना, अब जाए शादी करेगी। अच्छा तो आप क्या कहना चाहते हैं कि लास्ट जो आपका जो लास्ट प्यार हुआ था उसमें क्या कोई इशू हो गया था? मीडिया तूने सॉरी बोल दिया, बिकॉज अब मैं ये वाली बात रिवील नहीं करना चाहता। मेरे को इवन मेरे को ये वाली बात पे कोई डिस्कस ही नहीं करना इस, ये कोई ऐसे कोई नहीं। हाँ मैं बताऊँगा, लेकिन बताऊँगा मैं पॉडकास्ट में या फिर कभी मैं ऐसे मेरे यूट्यूब पर बताऊँगा तो बहुत आराम से बहुत फक्र से बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरा हाल फिलहाल मूड नहीं बताने का, बिकॉज मेरे को उस वाले दौर में जाना नहीं है। आप अपने पुराने रिलेशनशिप डिस्कस नहीं करना चाहते?
पॉइंट यस ओके वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी बट सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अपने रिलेशन में क्यों नहीं आना चाहते आपको यार मैं ऐसे पूछ रहा था कि ये जो आप गोल्ड की चेन पहने लग गए हो आजकल उसका क्या रीज़न है शर्म बेच गई यार वेरी नाइस यार दिस इज गेटिंग गुड थैंक यू ओके सो ये जो आपने टी शर्ट पहन रखी है ये कहाँ से ली हुई है आपने जोड़ियो इज्जत बेच गई इसलिए 200 रुपए के लिए ये होना चाहिए फास्ट एंड फ्यूरियस क्यू एन ए इसकी लैंडिंग की टन 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 रैपिड क्यू रैपिड 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 फायर होता है वो शायद रैपिड होता है तो भाई इंग्लिश कमजोर है ना मेरी देखना पसंद करते हो नेटफ्लिक्स पे लास्ट सीरीज जो आपने देखी हो मेरे को एक बार मेरी फ्रेंड ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे का सजेशन दिया था कि तुम इसको देखा जरूर देखना मैं ओके मैंने ऑफिस में चला के बैठ गया मैं सिर्फ आधा घंटा देख पाया मैंने बंद कर दिया मैं इससे ऊपर नहीं देख सकता मैं एक बार आप होल्ड करें नहीं प्लीज नहीं नहीं मैं आई विल हैंडल मुझे उस लड़की के बारे में जानना है मुझे जानना है कि वो लड़की कौन है वो भी यहाँ पे नहीं यूएसए की वाह यार क्या स्ट्रॉल लिया आपने मुंह में भाई सुन इतनी बाहर फ्रेंड गए ना भाई बहुत ज्यादा अमीर था अमीर साले और वो मेरे को भी महंगी महंगी जगह लेके जाते हैं अगर कंट्री आती है ना तो भी 7-8-9-10 हज़ार की आती है मम्मी जी कॉलिंग कर रही है भैया भयंकर है बाकी तो हम क्या रोड क्रॉस करके आ रहे थे तो एक गाड़ी आई तो मेरे को लगा इसका ध्यान नहीं है मैंने इसका हाथ पकड़ लिया तो ठीक है एक गाड़ी चली गई दूसरी गाड़ी गई चली गई मैंने फिर इसका हाथ पकड़ लिया मेरे को लगा इसका ध्यान नहीं होगा तो कह रहा कि ओए मुझे भी दिखता है ये हाथ पकड़ के कर्टसी मत दिखा इसके मुझे जब कर्टसी वर्ड निकला ना भाई मेरा मन करा भाई टायर के नीचे आ जाऊं भाई गाड़ी के आगे दो लड़के साइड में वो भी घूम के देखे मैं वो कॉन्फिडेंस में इसकी बहन की ये इंग्लिश वाइज अपनी सक्सेसफुल हो चुकी यार कर्टी से मैंने तेरे को पता है बहुत ज्यादा मेहनत करके वाला वर्ड सीखा तेरे को पता मतलब सीख रहा है तू यार हमें सीख रहा हूं धीरे धीरे तेरे को पता है मेरे को कौन सा आई लाइक दैट कर्टसी ओके शैंडलियर ओके और फॉर श्योर फॉर श्योर और थैंक यू अरे बहन गवार बात मत कर ये तो बचपन में सीख लिया था नहीं एक थैंक यू थैंक यू फॉन्ट का थैंक यू थैंक यू ये चाइनीज हो गई ये थैंक यू यूए टोन यूएसए वाली टोन यू थैंक यू ओके ऐसे और एडिसन क्लॉक हार्डी माइकिन प्यूकन सॉरी माइक प्यूकन अरे ये सब कौन है भाई ये नाम है किसी के लेकिन मेरे को ये नाम याद है इंग्लिश वर्ड्स थोड़ी हो भाई है तो वर्ड है तो ये वही चीज ना है तो अंग्रेजी की बात तो अंग्रेजी की चल रही है भाई ऐसे कुछ भी बोल देगा भाई पागल है क्या बैग पूरे माहौल मत खराब कर कर्टेसी से इंप्रेस्ड हूं मैं तेरे से इंप्रेस्ड तू क्यों हो रहा है भाई मतलब तेरी मेरे को तेरे पे शक हो रहा है अबे तू इंग्लिश सीख रहा है ना थोड़ा बेटर हो रहा है ना फिर भी फॉलिंग इन लव इज द ब्यूटीफुल फीलिंग नाउ शट अप मत मान भाई शट योर माउथ फक योर माउथ क्या तुम क्या बोलते हो शट द फक अप हां शट द फक अप मतलब बीच में फक तो था ना शट द फक अप कोई बात नहीं देख मेरी इंग्लिश सही थी वर्ड्स इधर उधर हो गए वो मैंने तेरे को दिया था मैं बोल रहा हूँ रीअरेंज द फॉलोइंग थोड़ी सा भी रीअरेंज कर ले अच्छा ओके ओके मेरे को आती है ऐसी बात नहीं भाई मेरे को इंग्लिश आती है लेकिन वही बात है कि डिपेंड नहीं करता है जैसे कोई अंग्रेजी मिल जाता है इंग्लिश बोलने वाला मिलता है मैं बोल देता हूँ इन जैसों के सामने मेरी निकलती नहीं बात इतनी सी है बाकी इंग्लिश वगैरह मैं जैसे तुम कुछ भी बोल रहा मैं सुन लूंगा और बाकी मतलब मैं समझ भी लूंगा और आती भी है वो शक्ल देखी तुमने मेरी खुद की तेरी खुद की और तू किसकी देखेगा भाई किसी की भी देख सकते हैं ऐसे क्या इशू है इसमें इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी शक्ल में ठीक है मेरी चप्पल हवाई चप्पल है ना हवाई चप्पल जो बाथरूम में लेके जाऊँ वो ज़्यादा बेटर है इससे शुभम जी ने ब्लॉगिंग बंद कर दी लेकिन मेरे अभी तक ब्लॉगिंग चालू है इन्होंने बंद नहीं करी इनको टाइम नहीं मिला अपन ने ब्लॉगिंग बंद कर दी ये चालू कर दिया बस फिटनेस का राज बादाम शेक आई डोंट नो व्हाई बट मेरी क्रेविंग हो रही इवन शुभम जी की क्रेविंग हो रही थी तो मेरा भी थोड़ा मन कर गया चलो ठीक है पी लेते इतने दिनों तक मैंने एप्स की एक्सरसाइज करी मेरी नई वाली वीडियो देखी है ना उसमें थोड़ा काफ़ी अच्छा हो गया मैं इतना अच्छा नहीं हुआ लेकिन हाँ ठीक है तो उसी की खुशी में बिग ट्रीट फ्रॉम शुभम जी बादाम शेक वाकई बहुत अच्छा था एक नंबर ये आप जगह जगह हम बताएंगे बाद में अभी नहीं ये आपको आपको कितना टाइम हो गया इसके पीते हुए तो 2-3 साल हो गए जब ये 20 रुपए का बेचता तब से पी रहा हूँ मैं 20 रुपए का और ये कहाँ पे बेचता था अपने वो है ना मेरे घर के आगे नंबर नंबर जहाँ पे अभी 100 फुट का काम चल रहा है वहाँ पे सबसे पहले अपने ठेला लगाता था 5-6 लोग एक साथ मिलकर लगाते थे तभी 20 रुपए का देता था मेरे को भर के गिलास हुए तब से पी रहा हूँ और आज भी पीता हूँ इसको मैं एक नंबर लास्ट जवाब देता आज 60 का हो गया आज 60 का हो गया इतना सा ग्लास पहले मैं इतना 20 का ले लेता अच्छा मैं क्या पहले पैसे तो होते नहीं थे छोटे थे तो बेचने वाला था मैं बाड़ा की था मेरे से 1-2 साल बड़ा ही था तो उसको क्या मैं थोड़ा यार दोस्त बना लिया
तो एक ग्लास के थोड़ा सा वो ले लें, भाई थोड़ा सा वो डाल दिया वो डाल देता मेरे को यारी दोस्ती में, तो वो सिस्टम बैठ जाता मेरा उसके साथ। 20 रुपए फुल ये पहले 20 रुपए कहाँ देते थे घर वाले यार, 20 रुपए ऐसे हो तू क्या करा तो 20 रुपए आ गए बस। वो बहन जो ऐसा होता है पता है जायदाद ही मांग लिया हमने, चौनी अठन्नी भी ली हुई है इतने तली ली। लेकिन हाँ भाई मतलब मेरे पता है अगर कभी मेरे को 20 रुपए मिल जाते हैं तो मैं तो बहुत खुश होता भाई साहब। हमारे अभी टिकट भेजा 10 रुपए तो अभी यार एक बार इन्फ्लेशन आया तो उसने 15 रुपए कर दी टिकट खानी बंद, सीधी 15 रुपए की होगी टिकट खानी बंद। आपकी सौगन एक ही चीज बोलिए बंद कर दे खत्म ऐसी ऐसी हालत थी हम लोगों की। जैसे इन्फ्लेशन आता है ना तो घर वाले वो बढ़ाते नहीं ऐसे बोलते हैं अब महंगाई बढ़ गई तो चम्मच घी एक्स्ट्रा दे दे बस खत्म। और आज हम टिकिया खाते हो 100-150 रुपए घर वालों का, अब ऐसा लगता है यार अब कैसे 100-150 में तो खाना आ जाता है बढ़िया सच में। फुल डाइट फुल डाइट मतलब क्या बोले आजकल तो।